हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी, ये वीडियो है शुक्रवार का और तारीख है 29 और व्लॉग की शुरुआत जो है हो चुकी है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हमारी चाय तो हो गई थी, उसके बाद मैं लगा रही हूँ अभी आटा और उसके बाद बनाऊँगी फिर नाश्ता और टिफ़िन की तैयारी करूँगी, हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करूँगी। उनको जाना है ऑफिस तो उनके लिए खाना बनाना है और मेरा भी साथ में बन जाता है। तो इस तरह से जब काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह सुबह जो होता है ना, सारे काम निपट जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर सब्ज़ी लेने के लिए जाना है तो सब्ज़ी लेके आऊँगी और फिर उसको भी साफ़ करके रखना होता है। ऐसे फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। तो बस साथ साथ में मैंने जो है चाय और जो आटा लगाया था उसके बर्तन भी मैंने साथ साथ में क्लीन कर लिए हैं। तो यह सुबह का व्यू, सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। आजकल काफ़ी ठंड होने लग गई है यहाँ पे भी। और उसके बाद फिर जो है मूड चेंज हो गया था, परांठा नहीं खाने का मन हो रहा था, तो मैंने बनाया था दलिया। और बस दलिया में कुछ नहीं, हल्का सा घी में छौंक लगाओ और उसमें पानी डाल दो, फिर उसके बाद दूध डाल दो। दलिया दो बिसल में बन जाता है झटपट और हेल्दी भी होता है खाने में और बहुत ताकत होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे दूसरे मार्केट के जो नाश्ते होते हैं ना उनसे तो अच्छा ही होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने, जब तक दलिया बनेगा, मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि साथ साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरा टाइम भी बच जाता है इस तरह से। तो ये देखिए मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं घर की साफ़ सफाई भी कर लूँगी, नाश्ता भी मेरा बन जाएगा, तो तीनों काम मेरे साथ साथ में हो जाएंगे। बस ये बाहर वाले पोर्शन में मैंने जो है झाड़ू लगाना है, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। शावर मैंने ले लिया था, पूजा भी मेरी हो गई थी। तो सुबह के ऑलमोस्ट मेरे जो है 50% काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। बस यहाँ पे झाड़ू लगा के अगर मन हुआ तो इसको वॉश कर दूँगी, नहीं तो आज के दिन ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो मन भी नहीं करता कि ज़्यादा पानी में काम करो। तो देखती हूँ, अगर इच्छा हुई तो धो दूँगी, नहीं तो ऐसे ही जाने दूँगी। आज का दिन कभी कभी चलता है। और झाड़ू लगा के ये होता है कि साफ़ हो जाता है, अच्छा लगता है, पूरा दिन भर फिर गंदगी नहीं दिखाई देती है। हालांकि यहाँ पे इस तरफ ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं तो धूल मिट्टी तो बहुत होती है। तो ये देखिए, इतनी देर में जब मैंने झाड़ू लगाया तो मेरा नाश्ता भी बनके तैयार हो गया। तो फटाफट से नाश्ता करेंगे और बस उसके बाद जो है नाश्ता करके फ्री हुई तो मेरी वॉशिंग मशीन भी जो है बंद हो गई थी। फर्स्ट लॉट जो है वो हो गया था कम्प्लीट, बस तार को अच्छे से साफ़ कर लिया क्योंकि झाड़ू लगाया था थोड़ी देर पहले, तो तार के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो उसको मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी इसके ऊपर। और दो तीन दिन के बाद मशीन लगाती हूँ तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, बस इनको सबको मैंने सुखा दिया है। और ये थोड़े से बर्तन है नाश्ते के, ये भी हो जाएंगे और किचन कर दूँगी क्लीन अच्छे से। देखिए दिया बाती मेरी हो गई थी सुबह ही, और बेडरूम भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, ये देखिए साफ़ हो गया अच्छे से। बस इसके बाद जो है झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगा के पूरे जो सुबह का मेरा काम है वो फिनिश हो जाएगा। ये बाहर का गार्डन मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया, बहुत अच्छे से उसका घास निकाल दिया था। तो ये मेरे प्लांट हैं, बस इनको भी मुझे थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़े से प्लांट और लेके आऊँगी। तो अभी हो गई हूँ मैं रेडी, जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, आज है उसका बर्थडे। हम लोग मेरे फ्रेंड के घर पर वेट कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए और उसके बाद देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आज उसका बर्थडे है। चलिए मैं चलती हूँ। और हस्बैंड आ गए थे दोपहर के टाइम पे, तो मैं जा रही थी अपने फ्रेंड के घर पे, उसके घर पे आज हमारा लंच था और मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था। तो बाद में आके हम शाम को जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं हस्बैंड को बोलने के लिए आई थी ऊपर कि मैं जा रही हूँ, तो बस ये ऊपर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाया और मैं हो गई हूँ रेडी, तो जा रही हूँ, निकल रही हूँ बस यहाँ से। उसके बाद फिर मेरी जो फ्रेंड है उसके साथ हम जाएंगे स्कूटी पे और वापस मैं हस्बैंड छोड़ देंगे उनके। किस चीज की? मटर, मटर नहीं है वो, क्या मटर है? तो
आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मेरी फ्रेंड के घर पे खाना बनाया था, गुजराती खाना खाया आज हमने, और उसके बाद फिर शाम को मैं आ गई थी घर पे, फिर मैंने बनाई चाय, और हस्बैंड ऊपर ही लेटे हुए थे। ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी मैं, एक घंटे के लिए गई थी, तो हस्बैंड ऊपर ही लेटे हुए थे, ऊपर ही हमने चाय पी ली। और ये मेरी फ्रेंड का बर्थडे हम शाम को कर रहे हैं सेलिब्रेट, तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ना, जब सब फ्रेंड्स मिलती हैं और किसी का बर्थडे होता है या कुछ भी ऐसे ओकेजन होता है तो अच्छा लगता है। और 2 दिन के बाद जो है नया साल आने वाला है, तो उसकी भी हमारी सोसाइटी में पार्टी होती है, वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम केक कट कर रहे थे। तो चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खिलाना नहीं।